मुद्दा कोई नहीं है, हम तो बीजेपी को चुनते हैं। हमारे लिए जो बीजेपी ने विकास किया है तो हम कोई सभ्य से दिक्कत नहीं है। हमारे को तो कोई भी हो, हम पक्ष को ही चुनते हैं, हम बीजेपी को ही चुनते हैं। बीजेपी को ही चुनते हैं, मतलब कार्डर बीजेपी वाला ही है। महंगाई तो सब जगह पे है, महंगाई तो होगी। हमारे यहाँ पे तो कुछ नहीं था, पानी भी नहीं था, लेकिन ये कैनाल निकला है, नर्मदा कैनाल, इससे हमारी रोजगार बन गई है। ये हमारे लिए वो बेहतरीन है, वो अच्छा विकास का काम कैनाल है। कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है या आम आदमी पार्टी भी मैदान? कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर या आम आदमी पार्टी? नहीं, इस बार सीधी टिकट नहीं, अब तो शंकर भाई चौधरी को टिकट दिया है, वो ही आने वाले हैं। शंकर भाई चौधरी बड़ी लीड से जीतेगा, बड़ी लीड। तो अब हम थराड़ विधानसभा के दौलतपुर गांव पहुंचे हैं। आने का रास्ता हम लोगों ने आपको दिखाया, तो यहां पर जनता की राय ले लेते हैं कि इस बार के चुनावी मुद्दे और विषय क्या हैं। और थराड़ में दौलतपुर थराड़ का जो ये दौलतपुर गांव है, यहां के स्थानीय विषय क्या हैं? चाचा, एक तो हमारे ट्रांसलेटर चले जाते हैं बार बार, लेकिन इनसे मैं समझा दूंगा आप लोगों को। हिंदी समझ जाते हैं ना आप? नहीं समझते हैं। आप बोलिए, हम आप ये बताएं कि जैसे हम थराड़ तहसील से दौलतपुर आ रहे थे, ये रास्ता एकदम कच्चा है, रास्ता जो कच्चा है, तो वो समस्या है क्या? तो वो कितने दिन से रोड ऐसे ही कच्चा ही है? फिर कांग्रेस वक्त नो कांग्रेस वक्त से, उसके बाद तो बीजेपी की 2012-2017 दो बार आप लोग जिता दिए। पर्वत भाई बार बार जीत रहे थे, फिर वो चले गए दिल्ली, उसके बाद दोबारा आप कांग्रेस। एक बार आप थोड़ा सा समझा दीजिए इन्हें, ये जो कच्चा रास्ता है कांग्रेस टाइम से टूटा हुआ है या नहीं बन पा रहा है? 2012 में वाव से निकल के ये थराड़ विधानसभा बनी, दो बार बीजेपी की सरकार आ गई 2012 और 2017 में, 19 में पर्वत भाई चले गए दिल्ली, फिर आप लोगों ने कांग्रेस को जिता दिया, तो क्या कारण है कि ये रोड बन नहीं पा रही? कौन सा सर जो रोड, ये कच्चा जो रोड है थराड़ तालुका से आते हुए जो यहाँ पे दौलतपुर राज्य आने में कोई कच्चा नहीं है ना, पक्का है ना रोड? नहीं, जंगल वाला जो रास्ता है, जंगल वाला इधर, ये तो पक्का है ना, डामर रोड है, किधर कच्चा कच्चा रास्ता है? नहीं, नहीं, मैंने फोन में वीडियो भी बनाई है, यहाँ पे आते हमारे यहाँ पर रोड है ही नहीं, कौन सा कच्चा है? अब माजनपुरा गांव से हमारे गांव से नहीं, नहीं देखो सर, हमारे जो थराज से जितने रोड आते हैं आजू बाजू के सब रोड पक्के हैं, डामर के रोड है सब 12-13 फुट लंबा। अच्छा, मैं आपको वीडियो में मैंने रिकॉर्ड किया है तो दिखाऊंगा, तो मानो। रुको, हमारे यहाँ पर क्षेत्र में जाने का पक्का रोड है, RCC। बताए हम यहाँ पे 4 मीटर का रोड था, तो अब हमारी सरकार ने गाँव में 7 मीटर का पक्का डामर रोड बना हुआ है, 4 मीटर का था। अच्छा, मैं आपको फोन में दिखा दूँ अभी का वीडियो, तो आप मानोगे? ठीक है, अगर मैं आपको फोन में दिखा दूँ कि रोड टूटा हुआ है, वो गांव से गांव के बीच का? नहीं नहीं, दिखाओ ना, हमारे यहाँ पे पक्का है ना, टूटा हुआ है नहीं, कच्चा था राज्य का, पक्का डबल रोड हुआ है, पहला सिंगल था, अभी डबल हुआ है। हाँ, यही वहां से रोड पड़ता है, 8 किमी थराज से पड़ता है ये रोड, और जो गांव से गांव के बीच का रोड है, जो 2 किमी के आजू बाजू होगा, वो पक्का नहीं है, वो अभी हमने सिफारिश की, अब बन जाएगा ऐसा लग रहा है। मैं थोड़ा कैमरामैन से भी कहूंगा कि नजदीक से दिखा दे। ये तो दौलतपुर आने तक ये रास्ता तो कच्चा है ना, दौलतपुर थराज से आने से नहीं, ये रास्ता गांव को जोड़ता चल रहा है, नहीं हमारे गांव जोड़ता तो है, जोड़ता हमारे गांव को जोड़ता तो, हमने बार बार हमारे तो पक्का ही है ना, थराड़ वाला पक्का है, लेकिन आपके गांव को एक और रोड जोड़ता, गांव को जोड़ता है, तो वो रोड कच्चा है। मेरा सवाल यही है, चांदी से दौलतपुरा कच्चा रोड है और दौलतपुरा से माजमपुरा भी कच्चा रोड है, ये दोनों कच्चा रोड है, ये गांव से गांव मिलने वाला दो रोड कच्चा है, दोनों रोड कच्चा है ना, मेरा सवाल यही है। थराज से आने की बात है ना, हमारे तो थराज चांदी से दौलतपुरा और बुढ़नपुर जाने वाला ये रास्ता, लोगों को परेशानी होती है, हाँ वो होती है, चौमासे में बारिश आती है ना तब परेशानी होती है,
चौमासे में हाँ बारिश आती है तब परेशानी होती है, थोड़ा पानी भराता है तो दूध भराने के लिए आने जाने के लिए परेशानी होती है। मैंने कुछ वीडियो और देखी आप ही के था ये इसी रोड की 2019-20 की, इतना इतना पानी भरा हुआ है, इतना भर जाता है पानी तो होता ही है, पूरा आ गया था, ज्यादा बारिश हुई थी इसलिए सब लोग रोड लॉक हो जाते हैं, रोड लॉक हो जाता है, हाँ पानी का भराव रहता है यहाँ। चलिए इस बार 5 तारीख को आप लोग वोट करने जा रहे हैं, आप बताइए ना, वो रास्ता हमारे खेतर तक जाता है, कोई गांव से नहीं छूटता है, ठीक है, इसलिए वो कच्चा है। खेडू लोगों को सुविधा तो मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए, गुजरात के कई गांव में मिलनी चाहिए, वो सही बात है ना, बनाना है, बनाना है ना, आप बनाना है, हमारी हमारी मांग है, मुद्दा तो है, हमारी उग्र मांग है कि वो रोड बनाओ। आप लोग जनता है, जनता को किसी पार्टी पक्ष में नहीं होना चाहिए, जनता को जनता होना चाहिए, हमको विकास चाहिए, हमको विकास चाहिए, ये रोड साल सब बनाओ, सब बनाओ ना, यही ये मेरा विषय यही है, मैं किसी पार्टी के बारे में और पार्टी की तारीफ सुनने नहीं आया, आपका एक मुद्दा है, हर मुद्दे बढ़िया है, विकास हुआ है, ये विकास भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन जो समस्या है वो समस्या भी समस्या ही होगी, समस्या है ना, 93 गाँव, अब मैं खेडू लोग कुछ हैं, आप युवा हैं, चलिए युवा लोगों से मैं एक बात कर लेता हूँ, छोटे उद्योग कम हैं, अब आप मना मत करना, मेरी पूरी रिसर्च है, छोटे उद्योग कम हैं, आप ही के यहाँ से गौतम अडानी भी निकले हैं, उनका भी छोटा उद्योग था टेक्सटाइल का, लेकिन छोटे उद्योग थराड़ में कम है, रोजगार के लिए युवाओं को यहाँ गांव से बाहर जाना पड़ता है, थराड़ छोड़ के अहमदाबाद बॉम्बे, ये सच बोल रहा हूँ कि नहीं, झूठ बोलूँ तो आप टोक दे, तो रोजगार की समस्या है कि नहीं, रोजगार की समस्या है, छोटे उद्योग कम है और हमको यहाँ से काम करने के लिए दूर जाना पड़ता है, लेकिन हमारी सरकार से ये मांग है कि यहाँ थराज में GIDC जैसा कुछ लगाओ तो हमारे यहाँ के युवाओं को अहमदाबाद की तरफ तो यहाँ रोजगार मिल सके। जी बताएं आप, रोजगार की समस्या मिलना है सर, समस्या है रोजगार की ना, रोजगार की समस्या है, अभी विकास पे भी पूछूंगा, शिक्षा और स्वास्थ्य में कैसा काम हुआ है आप बता दीजिए, मैंने तो पढ़ा है, आप लोग अपने मुँह से बता, शिक्षा और स्वास्थ्य हेल्थ और एजुकेशन अच्छा हुआ है, हाँ अच्छा हुआ है, हाँ पक्की बात, आपके CSC सेंटर में डॉक्टर नहीं है, मैं सुबह की बात बता रहा हूँ, कौन से में CSC सेंटर जो आपका सामुदायिक स्वास्थ्य PSC में डॉक्टर नहीं है, देखिए मना मत करना, डॉक्टर है बराबर टाइम से नहीं है, दूर है, बार बार डॉक्टर ये है ना PSC में, वो पगार कम की वजह से आंदोलन पर उतर जाते हैं, आंदोलन पर तो समस्या आती है, हाँ समस्या तब आती है, बाकी सब ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में सब ठीक है, ठीक है, आप बताएं स्वास्थ्य के लिए बढ़िया बना है, बढ़िया है, बढ़िया है, पक्की बात है, सब कुछ मिलता है, समस्या के लिए सब मिलता है, दवाइयाँ टाइम पे रहती है ना, बाहर से खरीदा हाँ मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, गांव में आता है, दिक्कत नहीं है हमारे गांव में, दवाइयाँ हाँ, कोई सीरियस रोग हो जैसे TB जैसे रोग हो तो वो PSC से आते हैं और हमें दवाइयाँ देकर जाते हैं। अच्छा थराड़ का एक मुद्दा महंगाई भी है, महंगाई तो सब जगह पे है, महंगाई तो होगी, महंगाई तो है पर महंगाई तो सब जगह पे है न, इस एरिया में एक में नहीं है, विकास कोई 3 विकास बताइए जो बेहतरीन हुआ है थराड़ में, नर्मदा कैनाल का 5 साल पहले जो सूखा क्षेत्र था आज हरा भरा, हमारे यहाँ पे तो कुछ नहीं था, पानी भी नहीं था, लेकिन ये कैनाल निकला है नर्मदा कैनाल, इससे हमारे रोजगार बन गई है, ये हमारे लिए वो बेहतरीन है, वो अच्छा विकास का काम कैनाल है, कैनाल एक बढ़िया विकास, सबसे बेहतर, ज्यादा कृषि क्षेत्र इधर ज्यादा है और आदमी को हर आदमी को नर्मदा का पानी मिला है तो रोजगारी में पशुपालन करता है, पानी टाइम पे मिल जाता है तो, और उपज भी अच्छी होती है, खेती होती है यहाँ पर, आप खेडू हैं, किस चीज की खेती होती है, अनार की खेती है, बागायत में अनार की खेती होती है, राई और दिवेला सरसों गेहूं, राई का भाव भी टूट गया था, नहीं नहीं अभी तो ऐसा ही हो, अभी है 6 महीने, 1200-1300 का भाव मिलता है अभी, खेड़ को और कुछ नहीं चाहिए, सही दाम मिलना चाहिए और पूरा पानी मिलना अच्छा, चाहिए। एक बात मैं, आप लोग खेडू लोग हैं, थोड़ा सा आगे आ जाए, दिल्ली के मीडिया में कल की हेडलाइन आपको बताता हूँ कि 93 गांव थराड़ और उसके आसपास के ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन आप लोगों से जानना चाहूंगा पानी पहुंच रहा है, 93 गांव थराड़ और आसपास वाव विधानसभा को मिलाकर ऐसे है जहां नर्मदा कैनाल का जो जिन्होंने वो बोर्ड लगा दिया है कि जब तक पानी नहीं तब तक वोट नहीं, अभी हाचोर हाईवे है ना, हाचोर हाईवे से उस तरफ पानी 93 गांव बाकी है, 93 गांव पानी देने का अभी वादा तो किया है,
अगले मिल जाएगा 5 साल में आगे बताए। सरकार ने वादा किया है पहुंचा जाएगा ना, भरोसा है ना। ये देखिए सत्ता पर भरोसा होना जनता का बहुत जरूरी है। आखिरी क्लोजिंग सवाल ले लेता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है या आम आदमी पार्टी भी मैदान में? कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर या आम आदमी पार्टी नहीं, इस बार सीधी टिकट नहीं, अब तो शंकर भाई चौधरी को टिकट दिया है, वो ही आने वाले हैं। शंकर भाई चौधरी बड़ी लीड से जीतेगा, बड़े लीड से। अब धीरे से बोल देते फिर चुप हो बोलो। अभी देखिए मोदी जी और आप में एक खास चीज है, वो भी धीरे से काम कर देते फिर काम उनका भी कड़क है, लेकिन आप धीरे से बोल दे रहे फिर माइक पे बताओ। बोल दो कौन जीत रहा है? शंकर भाई जीत रहे हैं। अच्छा मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या सोच के जाओ? मुद्दा कोई नहीं है, हम तो बीजेपी को चुनते है, हमारे लिए जो बीजेपी ने विकास किया है तो हम कोई सभ्य से दिक्कत नहीं है हमारे को, तो कोई भी हो हम पक्ष को ही चुनते हैं। हम बीजेपी को ही चुनते हैं मतलब कार्डर बीजेपी वाला ही है। आम आदमी पार्टी है रेस में? नहीं मिलेगी दौलतपुरा में, आम आदमी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा आम आदमी पार्टी का। हमारे तालुका में आम आदमी पार्टी का कुछ जाने वाला नहीं। बीजेपी मिलेगी, कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है, सीधी टक्कर। अच्छा जातिगत समीकरण ज्यादा देखिए, जैसे कि यहाँ पर चौधरी पटेल समुदाय ज्यादा है, क्षत्रिय समुदाय है, माली समुदाय है, तो विकास के साथ जाति साधरी जाति भी एक वोट डालने का रहता है क्या? नहीं मुद्दा की जाति हमारी जाति का कोई मतलब नहीं है हमारे को, तो हम पक्ष ही है, हमारे को बीजेपी चाहिए और विकास चाहिए, हमारे को और कुछ नहीं, हम जाति से कोई नहीं। सही रेट देगा, पानी देगा तो हम विकास को ही वोट देंगे ने? विकास को, लेकिन सारी पार्टियां खड़ी तो जाति देख के ही कर रही है। देखिए शंकर चौधरी उधर से राजपूत, पीरा भाई राजपूत, गोविंद सिंह पीरा भाई राजपूत है, जाति देख के कर देते हैं। कोई भी आदमी को पूछो सभी जाति के इधर लोग हैं। माहौल शांत है? शांत माहौल, शांत शांत शांत। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कितने खड़े हैं सबको पूछ लो, सब भाईचारे से रहते, सब भाईचारे। चुनाव को लेके लड़िएगा? नहीं कुछ नहीं, चुनाव तो आएगा जाएगा, बस यही भावना रहनी चाहिए। खेडूत को कुछ नहीं चाहिए, खेडूत को तो सही दाम सही रेट मिलनी चाहिए, और पानी मिलना चाहिए, टाइम से बिजली मिलनी चाहिए। हमारे सब मोदी मोदी, दूसरा कोई नहीं मोदी। लेकिन फैन मत हो जाना दोस्त, लोकतंत्र नहीं, मोदी मोदी है तो आजीवन नहीं है, आजीवन दे दिया है, हमारे पास कुछ नहीं था, मोदी जी ने कुछ नहीं था, हम भगवान जैसे मोदी जी को मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये पानी निकालना है या नर्मदा कैनाल का एक काम सबसे बेहतर का अच्छा काम किया है मोदी जी ने, तो उस नाम पर वोट पड़े। सुबह से शाम तक हम सारा दिन मजदूरी करते थे, ₹50 दाम नहीं मिलता था, अब कितनी हो गई है, अब कितनी, अब मजदूरी ₹400 मिलती है। धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मीडिया ये बताओ, हाँ ये देखिए ये भी एक RCC रोड है, लेकिन वो भी रोड की सच्चाई है ना, देखिए वो भी रोड की एक सच्चाई है, हमने वो भी दिखाया, और ये भी सच है और वो भी सच है, ये दोनों ही सच है, ठीक, तो ये सच दोनों ही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बताए, ये देखो विकास केंद्र, देखो दूध का, नहीं ये भी दिखाया है हमने, दूध की डेयरी पहुंच गई है, ये मोदी का विकास है, ये देखिए मोदी जी का विकास है, और लेकिन ₹70 दूध भी हो गया है, बताओ आइए ₹50 ये पाप देखो ₹50 लीटर जाता है, लेकिन कुछ जगह ₹50 देखो सही है, देखो ₹50 लीटर जाता है। अब बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखिए नरेंद्र मोदी को लेकर, नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक छवि भी नहीं है, एक राजनेता के तौर पर नहीं, घर के मानस के तौर पर, गुजराती है, घर के मानस के तौर पर देखते हैं, एक राजनेता के तौर पर नहीं, घर की में घर का जो व्यक्ति होता है वो भावुकता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ है, यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत स्थायी प्रभाव और राजनीतिक छवि के आगे अभी तक विपक्ष बेदम दिख रहा है, विपक्ष के पास काट नजर नहीं आ रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थायी और मजबूत राजनीतिक छवि के। कुछ समस्याएं हैं थराड़ विधानसभा की, लोगों ने बताया भी कि कुछ 93 गांव हैं जहां पर पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन सबसे जरूरी, लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब जनता को सत्ता पर भरोसा रहता है, तो खेडू लोग यानी जो किसान हैं उन्हें भरोसा है कि अगले चुनाव के बाद उनके गाँव तक, उनके खेतों तक पानी
पहुंचेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के मसलों पर थराड़ विधानसभा के लोग खुश नजर आए या संतुष्ट नजर आए बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं है। रोजगार एक छोटी समस्या है, लोग चाह रहे हैं कि जो प्रवास हो रहा है वो रुके, लेकिन उसमें भी संतोष नजर आया। लेकिन एक मुख्य मुद्दा कि 93 गांवों तक पानी पहुंचना है और उस पर लोगों को भरोसा है कि अगले जो चुनाव के बाद का समय होगा उसमें पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे बेहतर काम मैं जनता को बता दूं कि 5 से 6 साल पहले तक ये जो गुजरात का ये उत्तर गुजरात का क्षेत्र है शुष्क क्षेत्रों में आता था, यानी सूखा प्रभावित क्षेत्रों में, लेकिन जो नर्मदा कैनाल का काम हुआ उसके बाद यहाँ के किसानों के खेतों में फसल लहलाने लगी, जिससे किसान बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। तो थराड़ विधानसभा से ये थी हमारी जमीनी हकीकत। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह।